हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पैशनेट फॉर कार्स। वी टॉक ऑटोमोबाइल्स हियर। आज आप देख रहे हैं स्कोडा कोडियाक, ये 2016 में पहली बार लॉन्च हुई थी और ये आप फर्स्ट जनरेशन देख रहे हैं। सिर्फ आपको ये डीजल इंजन में ही अवेलेबल होगी। कोडियाक में आपको सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ही ऑप्शन है, मैनुअल का ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। अगर प्राइसिंग की बात करें तो रेंज शुरू होती है 37 लाख रुपीज़ 96,000 रुपीज़ से और टॉप मॉडल की कीमत है 40 लाख 92,000 रुपीज़। ये मैं ऑन रोड प्राइस बोल रहा हूँ, ये प्राइस वेरी करेगी सिटी टू सिटी। ये आप टॉप मॉडल देख रहे हैं, लॉरेन एंड क्लेमेंट। ये एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी जिसे स्कोडा ने 1925 में ख़रीद लिया था। ये दो मालिक थे, लॉरेन एंड क्लेमेंट। आज उनकी याद में स्कोडा अपनी सारी टॉप मॉडल गाड़ियों का नाम लॉरेन एंड क्लेमेंट रखती है, LNK रखती है। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स विद DRLs, डे टाइम रनिंग लाइट। यहाँ पे ये नीचे फॉग लैम्प देख रहे हैं आप। यहाँ फ्रंट में सेंसर्स दिए हुए, ये स्कोडा का लोगो और ये स्कोडा की सिग्नेचर बटरफ्लाई ग्रिल। ये वाइपर्स, ये साइड व्यू मिरर पे टर्न इंडिकेटर्स दिए हुए। ये टॉप मॉडल लॉरेन एंड क्लेमेंट की बैजिंग। और साइड से देखें तो कुछ गाड़ी ऐसी दिखती है। अगर डायमेंशन की बात करें तो लेंथ मिलती है 4697 mm, विथ मिलती है 182 mm, हाइट मिलती है 1665 mm और इसका व्हील बेस है 2791 mm का और आपको कोडियाक में ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 188 mm का। इसका कर्व वेट है अप्रोक्स 1826 kg। सेफ्टी की बात करें तो इसमें आपको 9 एयरबैग्स, मिडल रियर 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स, TPMS टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ABS, EBD ब्रेक असिस्ट, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, इंजन इमोबिलाइजर, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक मिलेगा आपको। ये 4x4 गाड़ी है, टॉप मॉडल देख रहे हैं आप ये। और यहाँ पे ये आप देख रहे हैं अलॉय व्हील्स। टायर साइज़ की बात करें तो 235/55 R18 के टायर मिलेंगे। रियर में डिस्क ब्रेक मिलेगी आपको कोडियाक में। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं फ्यूल टैंक, 63 लीटर का फ्यूल टैंक मिलेगा आपको। और यहाँ फ्रंट में भी आपको डिस्क ब्रेक मिलेगी। ये व्हील के ऊपर क्लैडिंग्स दी हुई है और ये सिल्वर कलर में रूफ रेल्स दी हुई है और साथ में ये सनरूफ दिया हुआ है। कोडियाक को डिज़ाइन किया हुआ है जोसेफ कवान ने, जिन्होंने बुगाटी वेरियन और स्कोडा ऑक्टेविया को भी डिज़ाइन किया हुआ है। कोडियाक की असेंबली चेक रिपब्लिक, यूक्रेन और इंडिया में होती है। कोडियाक चाइना और फ्रांस की SUV ऑफ द ईयर भी रह चुकी है। कोडियाक के नाम की बात करें तो इसका नाम एक भालू से लिया हुआ है। द अलास्कन आइलैंड कोडियाक गिव्स इट नेम्स टू द लार्जेस्ट ब्राउन बेयर स्टिल अलाइव टुडे, वहाँ से ये नाम लिया हुआ है, अलास्का से। कोडियाक में आपको 4 साल या फिर 1 लाख किलोमीटर की वारंटी मिलती है, विच एवर इज अर्लियर। ये स्कोडा की बैजिंग, ये रियर वाइपर, यहाँ पे ये स्टॉप लैंप दिया हुआ है, ये शार्क फिन एंटीना और ये 4x4 की बैजिंग, ये कोडियाक की बैजिंग। कोडियाक में आपको 5 कलर ऑप्शन मिलेंगे चूज़ करने के लिए और ये आप जो कलर देख रहे हैं इसका नाम है मैग्नेटिक ब्राउन। यहाँ पे ये रिफ्लेक्टर्स दिए हुए और साथ में ये रियर सेंसर्स दिए हुए। यहाँ पे ये फेक एग्जॉस्ट है, ये एग्जॉस्ट यहाँ नीचे दिया हुआ है, ये देखिए आप। और ऐसी दिखती है ये चाबी, 2 स्मार्ट कीज़ मिलेगी आपको। ये अलग अलग फंक्शंस दिए हुए हैं और आप ये रिमोट से ही बूट को ओपन कर पाएंगे। देखिए मैं यहाँ इसे प्रेस करूँगा और ये बूट ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो गया। तो ये है बूट स्पेस और यहाँ पे आपको ये 7 सीटर गाड़ी है, ये सीट को आप ऊपर कर देंगे तो 270 लीटर की बूट स्पेस मिलेगी और थर्ड रो और सेकेंड रो को फोल्ड करेंगे तो 2005 लीटर की बूट स्पेस बन जाएगी, 2005 लीटर की। और यहाँ पे लाइट्स दी हुई है, यहाँ पे ये हुक दिए हुए हैं, यहाँ पे भी ये हुक दिया हुआ है, यहाँ पे एक ये 12 वोल्ट का आउटलेट पॉइंट, यहाँ पे भी ये हुक दिया हुआ है, यहाँ पे भी ये हुक दिया हुआ है एक, और यहाँ पे ये लाइट दी हुई है। ये लाइट, ये मुझे बहुत पसंद है ये फीचर्स। देखिए ये LED टॉर्च है, आप इसे ऑन करेंगे, देखिए मैं ये ऑन कर रहा हूँ और इसमें साथ में मैग्नेट होता है तो आप यहाँ इसे आप लगा सकते हैं।
जैसे रात को आपका अंधेरे में टायर पंचर हो गया तो आप इसे लगा के आप बदल सकते टायर। ये काफ़ी हैंडी फीचर है और इसे बंद भी आप हाथ से कर सकते हैं। देखिए यहाँ लगाएंगे तो ये वापस चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगा और लाइट भी शुरू हो जाएगी। ये चार्जिंग शुरू हो गई और ये रियर पार्सल ट्रे दिया हुआ है, इसे आप बंद कर सकते हैं अगर आपकी पीछे की दो सीट्स फोल्ड है तो। और आप ये इसे निकाल भी सकते हैं, ये रिमूवेबल है, यहाँ से निकल सकता है ये। और ये रियर सीट्स, यहाँ पे भी ये सीट्स दोनों। और स्पेयर व्हील ये लास्ट रो के नीचे होता है, इसे पूरा वो उठाना पड़ता है तब वो निकलता है। यहाँ पे ये इसके नीचे स्पेयर व्हील होता है, यहाँ पे बंद कर देते इसे। और ये बूट को आप वन टच से ही बंद कर देंगे, देखिए यहाँ प्रेस करेंगे ये पूरा बंद हो जाएगा, ये बंद हो गया। आइए रियर डोर खोल कर देखते हैं कोडियक का, तो कुछ ऐसा दिखता है ये रियर डोर, टू टोन में दिया हुआ है ये। ये आर्मरेस्ट पे लेदर फिनिश दी हुई है, यहाँ पे भी लेदर है। ये पावर विंडो के स्विच, ये ग्रैब हैंडल दिया हुआ है यहाँ पे, ये स्टिचिंग दी हुई है। यहाँ पे नीचे बॉटल होल्डर और कुछ स्पेस दी हुई है। और ये यहाँ पे स्पीकर दिया हुआ है और यहाँ पे एम्बियन लाइटिंग दी हुई है ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ। यहाँ पे ये क्रोम में हैंडल दिया हुआ है, यहाँ पे ये आपको सन ब्लाइंड दिया हुआ है, मैनुअल आपको लगाना पड़ेगा इस तरह से। और आप इसे नीचे इस तरह से कर सकते हैं और यहाँ से ऐसी दिखती है ये रियर सीट कोडियक की। यहाँ पे तीन एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे आपको, ये एयरबैग, और इसे ऊपर करके सीट को स्लाइड करना रहेगा पीछे की रो को एक्सेस करने के लिए आपको। ये टॉप मॉडल की बैजिंग LNK की, ये पेनारोमिक सनरूफ, काफ़ी बड़ा है ये। आइए अंदर बैठ जाते गाड़ी के, ये एक्सेसरीज का पार्ट है ये। यहाँ पे भी ये ग्रैब हैंडल दिया हुआ है हुक के साथ, ये सन ब्लाइंड्स दिए हुए यहाँ पे सामने के डोर पे भी, ये रियर लाइट्स और पीछे की सीट्स। यहाँ पे भी ये लाइट दी हुई है रीडिंग लाइट, और यहाँ पे भी ग्रैब हैंडल और हुक दिया हुआ है। यहाँ पे ये कुछ स्पेस दी हुई है, यहाँ से ये आप टेम्परेचर प्लस माइनस कर पाएंगे। इसमें आपको 3 जोन क्लाइमेट AC दिया हुआ है विथ एयर क्वालिटी सेंसर दिया हुआ है ये। आइए आगे चलकर देखते हैं फ्रंट डोर, ये आपको कीलेस एंट्री मिलेगी यहाँ पे। तो यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है ये ड्राइवर साइड का फ्रंट डोर, यहाँ पे ये एम्बिएंट लाइटिंग दी हुई है, यहाँ पे क्रॉप में हैंडल दिया हुआ है और कैंटन का म्यूजिक सिस्टम मिलेगा आपको इसमें। ये आर्मरेस्ट पे लेदर फिनिश दी हुई है, ये पावर विंडो के स्विचेस, ये ग्रैब हैंडल, यहाँ पे लाइट दी हुई है डोर लाइट, और यहाँ से आप ये बूट ओपन कर पाएंगे। यहाँ से ऐसा दिखता है ये फ्रंट का डैशबोर्ड और सीट्स, यहाँ पे आपको ये मेमोरी फंक्शन सीट्स मिलेगी, 3 मेमोरी सीट्स मिलेगी, और ये इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट्स दी हुई है यहाँ पे। यहाँ से आई इसे पीछे कर लेते हैं थोड़ा, आइए गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। तो ऐसा दिखता है ये स्टेयरिंग, लेदर में रैप किया हुआ है ये, ऐसा दिखता है ये स्टेयरिंग, ये स्कोडा का लोगो, ये एयरबैग, यहाँ पे ये कंट्रोल्स दिए हुए हैं, यहाँ पे भी कंट्रोल दिया हुआ है। और यहाँ पे देख रहे हैं आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये पूरा डिस्प्ले है, ये आपको शो करेगा एवरेज फ्यूल कंजप्शन, गियर इंडिकेटर, डिस्टेंस टू MT, क्लॉक, एवरेज स्पीड। ये काफ़ी अच्छा लगता है ये पूरा डिस्प्ले, और ये काफ़ी ब्राइट है। ये लाइट्स के कंट्रोल,
ये सी वेंट, ये स्टार्ट स्टॉप बटन दिया हुआ यहाँ पे, क्रोम फिनिश, और ये आप देख रहे हैं टच स्क्रीन सिस्टम, ये सपोर्ट करता है GPS, USB, AUX, ब्लूटूथ, CD, FM, रेडियो और वॉइस कमांड को ये सपोर्ट करेगा। यहाँ पे अलग अलग फंक्शंस दिए हुए कार के, ये देखिए आपको एवरेज दिखा रहा है, ये मेन्यू, यहाँ पे अलग अलग ये फंक्शंस दिए हुए हैं, रेडियो, मीडिया, नेविगेशन, यहाँ पे एयर कंडीशनिंग, ये रेडियो, काफ़ी ब्राइट है और इजी टू ऑपरेट है ये। और यहाँ से आप ये वॉल्यूम प्लस माइनस कर पाएंगे, देखिए यहाँ से आप अपने गाने चेंज कर पाएंगे, AC वेंट, ये लाइट्स के कंट्रोल और ये वाइपर के कंट्रोल दिए हुए यहाँ पे, ये पैडल शिफ्टर्स भी आपको मिलेंगे इसमें, ये आप देख रहे हैं 3-zone AC, एयर क्वालिटी सेंसर्स के साथ मिलेगा आपको, यहाँ से फैन की स्पीड आप प्लस माइनस कर पाएंगे, देखिए यहाँ पे ये अलग अलग मोड्स दिए हुए हैं, और यहाँ पे देखिए मैं दोनों का टेम्परेचर अलग सेट कर रहा हूँ, एक का 25 और एक का 18 पे किया हुआ है, तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे ये पार्किंग लाइट का बटन, यहाँ पे ये ऑटो पार्किंग का बटन है, ये सेंसर्स का और 360 कैमरा भी दिया हुआ है इसमें, ये उसका बटन है, देखिए ये, और ये लॉक करने के लिए गाड़ी को, ये एयरबैग, यहाँ पे ये एयर केयर दिया हुआ है साथ में, देखिए यहाँ पे से भी आप ऑपरेट कर पाएंगे टच स्क्रीन से भी, ये 3 टेम्परेचर दिखा रहा है, देखिए आगे का, फ्रंट का 2 और पीछे का भी दिखा रहा है ये, और यहाँ पे कुछ स्पेस दी हुई है, ये ग्रैब हैंडल दिए हुए यहाँ पे पकड़ने के लिए, और यहाँ पे मिलता है 4x4, ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, ये अलग अलग ड्राइव मोड्स दिए हुए यहाँ पे पार्किंग न्यूट्रल के, यहाँ पे अलग फंक्शंस दिए हुए, ये ड्राइव मोड सिलेक्ट करने के लिए दिए हुए, ये देखिए यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, ये हैंड ब्रेक दी हुई यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने के लिए, और यहाँ पे ये बॉटल होल्डर दिए हुए, आप इसे यहाँ निकाल भी सकते हैं, और ये लेदर में आर्मरेस्ट दिया हुआ है, ये इसे ऊपर करके देखते हैं, ये खुल गया और इसे आप निकाल सकते हैं यहाँ से, देखिए निकल गया, बंद कर देते हैं आर्मरेस्ट को भी, और ये LNK की बैजिंग, ये एयरबैग, और यहाँ से इसे प्रेस करेंगे तो ये ऊपर का ग्लोव बॉक्स खुलता है, बंद कर देते हैं इसे, और यहाँ प्रेस करेंगे तो ये नीचे का ग्लोव बॉक्स खुलेगा, ये आपको कूल ग्लोव बॉक्स मिलेगा एल्यूमिनेशन लाइट के साथ, और यहाँ पे ये CD चेंजर दिया हुआ है साथ में, बंद कर देते हैं इसे, और यहाँ को ड्राइवर साइड आपको लाइट मिलेगी विथ मिरर मिलेगा, बंद कर देते हैं इसे भी, और यहाँ ड्राइवर साइड आपको लाइट्स प्लस मिरर मिलेगा साथ में, यहाँ पे ये आपको टिकट होल्डर भी दिया हुआ है, ये टिकट होल्डर, बंद कर देते हैं इसे, और ये यहाँ पे ये लाइट्स दी हुई है फ्रंट में, देखिए यहाँ पे ये रियर की लाइट स्टार्ट हो गई, देखिए सारी आप देख पा रहे होंगे, और यहाँ से ये फ्रंट की रीडिंग लाइट स्टार्ट होती है, और यहाँ से आप ये पूरा कवर को हटा सकते हैं, सनरूफ अभी ये खुला हुआ ही है, इसे यहाँ से बंद करेंगे, देखिए ये बंद हो गया, और इसे आप वन टच से ही यहाँ
दबाएंगे, इसे प्रेस करेंगे तो ये पूरा कवर बंद हो जाएगा। काफ़ी मैसिव ये पैनारोमिक सनरूफ है, ये बहुत बड़ा है ये। और ये रियर व्यू मिरर, ये बंद हो गया पूरा। यहाँ से इग्निशन को ऑफ कर देंगे और यहाँ से खोलेंगे आगे का इंजन कंपार्टमेंट। आइए आगे चलकर देखते हैं इंजन कंपार्टमेंट। ये हाइड्रोलिक मिलेगा आपको यहाँ पे, तो यहाँ आपको मिलेगा 2000 सीसी फोर सिलेंडर इंजन। ये प्रोड्यूस करता है 148 bhp और 314 न्यूटन मीटर का टॉर्क। ARAI माइलेज इसका 16.25 का है। यहाँ से बंद कर देंगे इसे। If you like my video or find it informative, then please do subscribe to my channel and share this video with your friends and family. And please like our page on Facebook and follow us on Instagram. Peace.